सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 13 सीरीज़ के बारे में। और ये सीरीज़ बहुत ही जल्द आपको चाइना में अभी देखने को मिलने वाली है। 21 सितंबर को इस सीरीज़ की जो लॉन्चिंग है वो कन्फर्म हो चुकी है। उसके बाद ये सीरीज़ आपको ग्लोबली लॉन्च देखने को मिलेगी और फिर ये सीरीज़ आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी। बेसिकली इस सीरीज़ में आपको 3 फ़ोन्स देखने को मिलने वाले हैं, रेडमी नोट 13, 13 प्रो और 13 प्रो प्लस। तो आज हम इस वीडियो में प्रो वेरियंट की बात करेंगे और देखेंगे कि इस फ़ोन में आपको कैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये फ़ोन्स मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में। और अच्छी बात ये है कि इन फोन्स का जो प्राइस होने वाला है वो मिड सेगमेंट प्राइस रेंज में आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर हम सबसे पहले बात करें डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको रेडमी नोट 13 प्रो में कुछ ज़्यादा ही चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सीरीज़ आपको रेडमी नोट 12 के जैसे ही देखने को मिलेगी। और इसमें आपको बैक में ग्लास बॉडी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वहीं बैक में आपको ट्रिपल रियर कैमरे का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आप देखेंगे तो एक लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा पंच होल कटआउट के साथ। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रो प्लस में, तो इस फोन में थोड़ा सा आपको स्टाइलिशपन ज़्यादा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लुक्स आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बैक में आपको लेदर फिनिश लुक्स देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। फ्रंट में अगर देखेंगे तो एक कर्व डिस्प्ले दिया हुआ है पंच होल कटआउट के साथ। तो नो डाउट दोनों ही फोन में आपको काफ़ी अच्छा लुक्स और स्टाइल्स देखने को मिलने वाला है। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 1K रेजोल्यूशन के साथ। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जिससे आपको डिस्प्ले में काफ़ी अच्छी स्मूथनेस देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आप देखेंगे तो कर्व डिस्प्ले दिया हुआ है, जिससे इस फोन की जो लुकिंग होने वाली है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पर जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर निट्स की जो वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है, इसलिए आपको ब्राइटनेस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो Redmi Note 13 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon की तरफ से 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर है और एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर हम बात करते हैं प्रो प्लस वेरियंट की, तो वहाँ पर आपको MediaTek Dimensity का 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दोनों ही फ़ोन में आपको 5G कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। यहाँ रैम की बात करें तो 8GB से लेकर आपको 16GB रैम तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ में स्टोरेज टाइप आपको UFS 3.1 देखने को मिल जाएगा और स्टोरेज आपको 128 से लेकर 1TB तक का देखने को मिलेगा। तो नो डाउट यहाँ पर आपको फोन में परफॉर्मेंस और स्पीड बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। अगर आप डिफरेंट टाइप के ऐप्स यूज़ करते हैं, गेम खेलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कैमरे की, तो यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मेन कैमरा जो होगा वो 200 मेगापिक्सल का होगा, उसमें आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाएगा HP3। साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो नो डाउट आपको कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, 2x और 4x तक की आपको ऑप्टिकल जूमिंग भी मिल जाएगी। साथ में प्रो प्लस वेरिएंट में आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर हम बैटरी सेक्शन की बात करते हैं, तो रेडमी नोट 13 में आपको 5160 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी 67W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और वहीं आपको रेडमी 13 प्रो प्लस वेरियंट में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है 120W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो नो डाउट यहाँ पर आपको जो चार्जिंग स्पीड मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, आप ही कुछ मिनट में आप इन फोन्स को चार्ज कर सकते हैं। साथ में आपको बैटरी बैकअप का सपोर्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अदर कुछ फीचर्स की बात करते हैं हम फोन्स में, तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगी, NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन आपको एंड्रॉइड 13 पर बेस देखने को मिलेंगे और 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट आपको दोनों ही फोन में देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इन दोनों ही फोन के रिगार्डिंग। काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ ये फोन्स आपको इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। फाइनली अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो यहाँ पर रेडमी नोट 13 प्रो आपको 26,000 तक की रेंज में देखने को मिल जाएगा और वहीं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस जो वेरिएंट है वो आपको 30,000 तक की रेंज में देखने को मिलने वाला है। तो दोनों ही फोन्स आपको काफ़ी अच्छे ग्रेट स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।